तो गाजियाबाद में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के ढूंढा हेड़ा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें बीमारी ठीक करने और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण के तार दिल्ली से जुड़े हैं। इसमें पादरी राजू द्वारा लोगों को इकट्ठा कर धार्मिक सामग्री और प्रार्थना कराई जा रही थी और पुलिस ने पादरी राजू के साथ पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। राजू और अन्य लोगों की तलाश जारी। क्षेत्र में चल रहे अवैध धर्मांतरण के संबंध में एक लिखित सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार हिंदू समाज के लोगों का प्रलोभन देकर एवं बीमारी के इलाज के नाम पर राजू नामक पादरी द्वारा अवैध धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में तुरंत तत्काल एक अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्य अभियुक्त राजू के सहयोगी पंकज पुत्र हरवी निवासी शांति नगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों की तलाश जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, क्या है पूरा मामला? देखिए, गाजियाबाद में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद के देहात हो या शहरी क्षेत्र, लगातार वहां पर धर्मांतरण के मामले निकल के आए हैं। कई हजारों लोगों के धर्मांतरण गाजियाबाद में इस समय कराए जाने की सूचना है। वहीं लगातार पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में इसमें गिरफ्तारी भी करी है। लगातार पुलिस गिरफ्तारी कर रही है और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज रही है। ताजा मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो मुख्य आरोपी है उसके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं और पहले भी जो धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं उसमें भी मामले दिल्ली से या दूसरे राज्यों से जुड़े हुए मामले पाए गए हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो लोग इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। फिलहाल पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया है और जो मौके पे मौजूद जो लोग थे, जो अन्य लोग जो फरार हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए इस समय पूरा प्रयास चल रहा है। बिल्कुल वैभव, ये लोग कौन है, इनकी कुछ पहचान हो पाई या पुलिस से इस संबंध में आपकी कुछ बात हुई क्या? देखिए, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जो लोग फरार चल रहे हैं, या तो वो लोग पादरी हैं या वो लोग हैं जिन्होंने पहले ही इनके इन्फ्लुएंस में आके धर्मांतरण करा दिया है और इन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये पहले अपना धर्मांतरण करते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी अपना धर्मांतरण करें, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों या किसी भी जात के हों, उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि वो अपना धर्मांतरण कराए। इसी को लेकर वो पूर्ण प्रयास में रहते हैं, लगातार कई बैठकें होती हैं और जो अब पूरा प्रकाश में मामला आया उसमें सामने आया कि प्रार्थना सभा भी कराई जाती है जिसमें उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपना ले। मतलब पूरी तरीके से ये रैकेट इस समय गाजियाबाद में इतना बड़े स्तर पे फैल चुका है कि लगातार पुलिस कई गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यही प्रकरण सामने बार बार निकल के आ रहे हैं। इस बार भी पुलिस लगातार गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है और जो मेन लोग हैं, जो धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए बाहर से आते हैं, उन बाहरी लोगों पर चिकंजा कसने की कवायद इस समय गाजियाबाद पुलिस कर रही है और इसी कोशिश में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर ले। चले वैभव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते, गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर है। 4 साल की बच्ची का अपहरण का एक मामला सामने आया। अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। थाना लूनी की कस्बा चौकी का क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मासूम का अपहरण, अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सर, मेरी लड़की को मेरे साले उठाकर ले गए कल। किस समय? ये 12 बजे। तो मतलब कैसे ले गए, क्या क्या कारण रहा उठाने का? सर, मेरी घरवाली की 3 साल पहले डेथ हो गई थी। तो मेरी सास बोली कि घर में रोना धोना हो रहा तो मैं इसको ले जाती हूँ 12 दिन के लिए, फिर मैं छोड़ जाऊंगी। तो 10-12 दिन के लिए ले गई। तो फिर हम जैसे लेना जा रहे तो कह रही थी अभी 10-12 दिन और रहने दो फिर ले जाना। तो इन्होंने करके ऐसे 6-7 महीने गुजार दिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष चौहान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, अपहरण की ये घटना सामने आई है, क्या है ये पूरा मामला, तफ्तीश से बताएं।
सौरभ आपको ये जो घटना है ये कल की है और इसमें जो है ये युवक है, इसकी बेटी जो है जिसने ये अपनी बेटी की जो शिकायत दी है वो कल से लेके चार बार थाने और चौकी के चक्कर काट चुका है और इसमें जो है बेटी दादी के साथ बाहर गली में जो है घूम रही थी या खड़ी थी, उसी समय चार पांच युवक आते हैं और जिसमें वो मुंह बांध के अपना मुंह जो है ढके हुए होते हैं और एक गाड़ी जो है युवक वैन खड़ी होती है उसमें ये डाल के ले जाते हैं और उसके बाद ये जो है युवक कल से लेके अभी तक जो है चार पांच बार थाने के चक्कर काट चुका है, कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी और ये जो है सोशल मीडिया पे और जब मीडिया पे ये चला तो पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया है। जी चलिए संतोष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शामली से बड़ी खबर है जहां